हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको YouTube के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। अपडेट दोस्तों काफी बढ़िया है, आपको ये अपडेट दोस्तों जानना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं मेरे इस होलिया की। आपको पता है दोस्तों होली का समय है, अभी मैं होली खेल के आया हूं और जब मैंने देखा दोस्तों YouTube पर एक नया अपडेट आया है, इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को यहां पर बना रहा हूं। दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं आपको इस अपडेट के बारे में बता देता हूं। जो नया अपडेट है ये YouTube वीडियो के अपलोडिंग टाइम को लेकर है। दोस्तों पहले क्या होता था, जब भी हम किसी वीडियो को प्ले करते थे तो उसके नीचे लिखा होता था कि ये वीडियो कितने साल पहले अपलोड की गई है, कितने मंथ पहले, कितने वीक पहले, कितने डे पहले और कितने आवर पहले। लेकिन दोस्तों वहां पर पूरा का पूरा यहां पर लिखा होता था पहले अपडेट से पहले कि ये ईयर है, ये मंथ है और यहाँ पर ये डेज है, ये वीक है और सारा कुछ वहां पर आवर वगैरह लिखा होता था। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, अब वहां पर दोस्तों शॉर्ट में लिखा होगा, जो कि दोस्तों आप साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे हमने कोई वीडियो को प्ले किया है, अगर वो दोस्तों यहाँ पर पहले एक साल पहले या दो साल पहले अपलोड की गई है तो वहां पर केवल वन या टू और बाई करके यहाँ पर लिखा होगा, यानी शॉर्ट में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि दोस्तों आप साइड में देख सकते हैं। वीक की यहाँ पर वीक लिखा है, आवर की यहाँ पर आप देख सकते हैं एच लिखा है और डे की यहाँ पर डी लिखा है, यानी बिल्कुल शॉर्ट यहाँ पर यूट्यूब ने कर दिया है। दोस्तों आप ही चेक कीजिए आपके अकाउंट पर ये अपडेट है या नहीं और कमेंट करके मुझे बताइए। और ये अपडेट तो मुझे काफी अच्छा लगा, यहाँ पर ऐसे ही नए नए अपडेट YouTube लाता रहता है। आप भी दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ नया लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।